नमस्कार जयशील सी, कैसे हो सब? आप हमारे चौहान सर हैं फिजिक्स के, बहुत ही अच्छे नए प्लेयर हमारे लिए। कब से काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में? सर 11 साल हो गए। आप 11 साल से पढ़ा रहे हैं, सेल्स अभी जुड़े हैं आप पिछले लॉकडाउन के टाइम से, एक बहुत अच्छी टीम के मजबूत प्लेयर हैं। दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन आईटी की जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हमने, उसके वीडियो सॉल्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहले हमारा लाइव का मूड था, बट लाइव सर ने कहा कि सर मैन का और एडवांस का लंबा सॉल्यूशन होता तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बच्चे का टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड होगा। फिर ये जिस दिन आपका टेस्ट होगा, सुन लो सभी लोग, जिस दिन टेस्ट है आईटी डेली टेस्ट सीरीज का, उस दिन 9 बजे ये वीडियो अपलोड होंगे और 24 आवर में आपके पास इसकी रिजल्ट आ जाएगा। clclive.in पे रिजल्ट मिल जाता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क बढ़े रहे इंस्टीट्यूट के साथ। ये आप देख रहे हो ऑनलाइन DTS फॉर JEE मेन 2021, ये पहला टेस्ट, कुल टेस्ट 6 होने फिजिक्स में, ये फर्स्ट टेस्ट है और ये JEE मेन का सॉल्यूशन आपको मेरे साथ ही कराएंगे चौहान सर। ठीक है चौहान साहब, आप पूरा बच्चों को बढ़िया क्लास हो, थैंक यू। ओके सर, कंटिन्यू करें आप अपने क्लास। ओके बच्चों, तो आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं JEE मेन का सॉल्यूशन, और ये टेस्ट हुआ था 6 May को, यानी परसों के दिन। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर अभी सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर है टोटल क्वेश्चन 20। दिस सेक्शन कंटेन्स 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, इट मींस देयर विल बी 4 ऑप्शंस, ओके, एंड ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। उन चारों में से केवल एक ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ओके, यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आंसर ठीक होता है तो आपको 4 मार्क्स, और अगर आंसर गलत होता है तो आपको -1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपना पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है 4i cap + 3 y² + 2 j cap इन SI, यानी SI में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। ओके, विद गॉसियन क्यूब ऑफ साइड 1 meter प्लेस एट ओरिजिन, इट मीन जो क्यूब है वो कहां पर है, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, सच दैट इट्स 3 sides रिप्रेजेंट्स x, y, and z axis, और उस क्यूब की जो 3 sides है वो x axis, y axis, and z axis को रिप्रेजेंट कर रही है। देन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, तो उस क्यूब के अंदर कुल कितना चार्ज है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका जो नेक्स्ट पेज है वहां पर हम लोग इसको सॉल्व किए देते हैं। ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, और जो क्यूब है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये हमारा क्यूब। ठीक है यहां तक, और जो फ्लक्स है वो आपको यहां पर दिया हुआ है, फ्लक्स है हमारा 4i cap + 3 y² + 2 j cap। ओके सॉरी, फील्ड का वैल्यू जो है वो है 4i cap + 3 y² + 2 j cap। ओके, इट मींस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4, विच इज कॉन्स्टेंट, जबकि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 y² + 2, विच इज वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वाई के साथ ये वेरी कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, सो इन एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में मान लीजिए फील्ड जा रहा है कुछ ऐसे, हालांकि वाई एक्सिस में भी फील्ड जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये 1 × 1 यानी 1 m² होगा, और साथ ही साथ इस वाले पार्ट का भी एरिया क्या होगा, 1 m², तो यहां से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉन्स्टेंट, कितना है 4, इट मींस यहां से जाने वाला फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, E × A। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, एरिया इधर की ओर, इट मींस cos 180 डिग्री, E का वैल्यू कितना दिया है 4, एरिया है 1 m² और cos 180 होता है -1। ओके, सो इट विल बी -4 units। ओके, तो ये आ रहा है हमारा अंदर जाने वाला फ्लक्स,
और बिल्कुल उतना ही फ्लक्स आएगा बाहर की ओर। बाहर आने वाला फ्लक्स होगा पॉजिटिव, अंदर जाने वाला फ्लक्स होगा नेगेटिव। तो यहां से हम लोग बाहर आने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ्लक्स है एक्स एक्सिस में, ओके, तो विच इज कमिंग आउट, इट मीन्स ये है बाहर की ओर आने वाला फ्लक्स। ये होगा P इंटू ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए भी इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही एक्ट कर रहा है। सो दोनों के बीच का हो गया एंगल 0 डिग्री। इट मीन्स E का वैल्यू यहाँ पर कितना बच्चों 4, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ओके, सो इट विल बी 4, ओके। सो दिस वॉज inside flux, that was -4 and it is outward flux which is +4. So from here we can say x axis ke along jo net flux hai wo kitna aa raha hai 0, -4 and +4. So x axis ke liye flux ka value ho chuka hai 0. So phi x it will be 0. Ab hum log yahan par baat kar rahe hain ki y axis mein kitna flux andar ja raha hai, kitna flux bahar aa raha hai, okay, I hope you got it. Agar yahan par koi doubt ho to aap log humse डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए y एक्सिस की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ओके, तो y की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो हम लोग केवल y एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं, ओके। सो y एक्सिस का फ्लक्स जा रहा है अंदर की ओर और यहां से आ रहा है बाहर की ओर, ओके, सो y की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं और इसका ये जो है एंड ये कहां पर है ओरिजिन पर। इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस वाले प्लेन का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि इस क्यूब का जो लेंथ है किसी एक साइड का वो कितना है 1 मीटर, ओके, सो कोऑर्डिनेट इट मींस y का वैल्यू होगा यहां पर 1 मीटर, ठीक है यहां तक। अब देखिएगा अंदर जाने वाला फ्लक्स फाइ इनसाइड इन वाई डायरेक्शन, अंदर की ओर का फ्लक्स होता है नेगेटिव, कितना आएगा देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई स्क्वायर +2 इनटू 3, ओके, 3 वाई स्क्वायर +2 इनटू ए, ओके। तो y का वैल्यू यहां के लिए इस वाली लाइन के लिए कितना आएगा बच्चों 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 एट ओरिजिन, सो फ्रॉम हियर वी कैन से y का वैल्यू यहां पर 0 रख देंगे, सो 3 and 2, 3 2 6 और a का वैल्यू कितना है बच्चों 1, सो इट विल बी 6, दैट विल बी y इन, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग यहां पर y आउट यानी y एक्सिस के अलोंग कितना फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सो फ्लक्स अलोंग y एक्सिस विच इज कमिंग आउट, ओके, तो वापस भाई e इनटू a, e का वैल्यू कितना 3 y स्क्वायर +2, एरिया था 1, अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर y का वैल्यू कितना है 1, y कोऑर्डिनेट इज 1 here, so from here we will put 3 and it will be 1 square plus 2, so from here we can see that it will be 3 and 2 plus 1, that is also 3, so it will be 9 unit, okay, it means 9 unit ka flux bahar ki or aa raha hai, theek hai, aur 6 unit ka flux andar ki or ja raha hai, to net flux jo isse bahar ki or aa raha hai wo hoga 9 minus 6, it means 3 unit, ठीक है यहां तक। तो ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स, ओके। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है चार्ज का वैल्यू एंड वी नो दैट फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट वी नो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई नेट का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों 3, सो इट विल बी 3 एंड क्यू inside upon epsilon naught, so from here you can say that q inside it will be 3 epsilon naught, okay, it will be 3 epsilon naught, so this will be our answer, okay, write down it and if you have any doubt then you can ask us, okay, chaliye badhte hain aur aage, aur yahan ka jo option tha kaun sa option yahan pe theek aa raha hai,
ये है ऑप्शन नंबर टू, थ्री एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं और आगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 kmph एंड द फ्लैग होल्डिंग बाय अ बॉय फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, इफ बॉय स्टार्ट्स टू मूव विद स्पीड ऑफ 51 kmph टू द नॉर्थ, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। समझिएगा सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, विंड इज ब्लोइंग अलोंग, विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 kmph। ओके, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट की ओर। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीच में से ये लाइन, इट मींस दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो इस डायरेक्शन में लहरा रहा है। सही बात है। और अगर इस डायरेक्शन में लहरा रहा है तो हम कहेंगे कि हवा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, इट मींस वी विल से वेलोसिटी ऑफ विंड अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है यहां तक। अब क्या बोल रहा है, इफ बॉय स्टार्ट्स टू मूव विद स्पीड ऑफ 51 kmph टू द नॉर्थ। अगर बॉय जो है वो 51 kmph की स्पीड के साथ नॉर्थ की ओर दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो अगर बॉय नॉर्थ की ओर दौड़ रहा होगा, मान लीजिए कि अभी विंड का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर बॉय नॉर्थ की ओर दौड़ेगा तो जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो साउथ साउथ की ओर लहराएगा। जाहिर सी बात है ना भाई, हम अगर इस साइड में भाग रहे हैं तो हमारा झंडा हमारे पीछे की डायरेक्शन में लहराता है। सही बात है। तो झंडे का लहराने का डायरेक्शन होगा इधर की ओर। सही बात है। इट मींस दिस विल बी स्पीड ऑफ फ्लैटरिंग ऑफ दैट फ्लैग, सो दैट विल बी द स्पीड ऑफ फ्लैटरिंग ऑफ फ्लैग। ठीक है, और स्पीड इसका उतना ही होगा जितना इस बॉय का इस डायरेक्शन में है, इट मींस 51 kmph, सो इट विल बी 51 kmph। ओके, अब देखिए वी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 72 kmph। तो अगर हम लोग इस वी डब्ल्यू के कंपोनेंट्स कर ले अलोंग ईस्ट, तो ये आएगा वी डब्ल्यू कॉस 45 डिग्री आई कैप, एंड दिस विल बी वी साइन 45 जे कैप। ओके, और वी साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं VW, ओके, तो VW का वैल्यू क्या है, 72 साइन 45, साइन 45 डिग्री, सो इट विल बी 72 वन अपॉन रूट टू। ओके, सो इट विल बी 72 इंटू 0.707, बिकॉज वैल्यू ऑफ वन अपॉन रूट टू इज 0.707। ओके, तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 51 kmph। ओके, इट मींस इस वाली वेलोसिटी का नॉर्थ की ओर जो कंपोनेंट होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली vf के बराबर। सो हम यहां पर देख पाएंगे, क्योंकि इस कंपोनेंट का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 51 kmph आ रहा है, तो ये दोनों कंपोनेंट यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मींस फ्रॉम हियर नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग विल बी अलोंग ईस्ट, इट मींस अलोंग ईस्ट, यानी केवल ईस्ट में, यानी पूर्व दिशा में वो फ्लैग लहरा रहा होगा। ओके, सो फ्रॉम दीज ऑप्शंस वी कैन से दैट द करेक्ट एंड राइट ऑप्शन विल बी पूर्व ईस्ट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर 51 के आसपास ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लगभग शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, ओके, सो राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क अस। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, दिस वन। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थ्री पर्संस आर इनिशियली एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज इक्वल टू डी। ओके, इसमें तीन लोग हैं जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं। ओके, दे मूव इन सच ए वे दैट द फर्स्ट मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स सेकंड। पहले वाला जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन की ओर डायरेक्टली मूव करता है। ओके,
एंड द सेकंड डायरेक्टली टुवर्ड द दूसरे वाला तीसरे वाले की ओर डायरेक्टली मूव कर रहा है एंड द थर्ड इज डायरेक्टली मूव्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वन और थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट वन की ओर मूव कर रहा है कैसे विद यूनिफॉर्म स्पीड भी एक समान नियत चाल से ओके टिल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डी बाई टू जब तक कि उनके बीच का डिस्टेंस डी बाई टू ना हो जाए यहाँ पर डी क्या है बच्चों यहाँ पर डी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लेंथ ओके सो डी बाई टू एंड देन यूनिफॉर्म स्पीड बी टू और उसके बाद यानी डी बाई टू कवर करने के बाद उन तीनों ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है डबल कर दिया है कितना किया 2v ओके द थ्री पर्सन विल मीट आफ्टर ए टाइम इक्वल टू अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि तीनों व्यक्ति एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे तो आइए देखते हैं सीखते हैं समझते हैं देखिए ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट पर्सन यहां पर है सेकंड यहां पर है थर्ड यहां पर है ओके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओके अब देखिए इसका स्पीड स्टार्टिंग में क्या है वी इसका भी वी और इसका भी वी और तीनों ही एक दूसरे को कैच करने का ट्राई कर रहे हैं सॉरी और इनके बीच का गैप डी ये लेंथ भी डी और ये लेंथ भी कितनी होगी बच्चों डी ओके तो अगर आपसे हम लोग कहें कि इस पर्सन का सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में इस वाले पर्सन यानी फर्स्ट वाले पर्सन का सेकंड वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी यानी प्रारंभिक सापेक्ष वेग क्या होगा तो देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से देखिए सापेक्ष वेग वी वन माइनस वी टू लेकिन किस लाइन के अलोंग इस लाइन के अलोंग क्यों क्योंकि इस लाइन का लेंथ हमें दिया गया है इसलिए हम लोग इसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो इसका वेलोसिटी कितना है वी ये एंगल होता है 60 डिग्री सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 120 डिग्री सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी वी कॉस 120 एंड वी कॉस 120 कॉस 120 का वैल्यू -1/2 सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी -1/2 ओके अब हमें फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल ओके सो वी वन माइनस वी टू जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करता है उसको माइनस करना होता है ये एक रूल है इसको याद कर लीजिएगा ओके तो सो सेकंड वाले की वेलोसिटी को फर्स्ट वाले की वेलोसिटी में से माइनस करेंगे सो वी माइनस माइनस वी बाई टू माइनस माइनस प्लस इट विल बी 3v/2 ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस पार्टिकल का इस पार्टिकल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस वन इट विल बी 3v/2 और इतनी स्पीड से ये टी टाइम तक चला है मान लीजिए कि ये टी टाइम तक चला है टी वन टाइम तक सो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम टाइम मान लीजिए टी वन ठीक है तो वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी चली डी बाई टू सो डी बाई टू ये हो गया इक्वेशन नंबर वन ओके अब उसके बाद क्या किया इन्होंने डी बाई टू डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी स्पीड को डबल कर दिया है ओके तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो फिर ये वाली सिचुएशन हम लोग मान सकते हैं रिलेटिव की मैं यहां पर बात कर रहा हूं हालांकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल यहां जा रहा है तो ये इसको फॉलो करते हुए इस साइड के अंदर जा रहा होगा और ये जो पर्सन है ये जाएगा ऐसे ये जाएगा ऐसे ये जाएगा ऐसे ठीक है ना लेकिन फिर भी मैं यहां पर रिलेटिवली बात कर रहा हूं तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है डबल कर दिया है कितना किया 2v इट मींस यही सेम यही सिचुएशन अब वापस से आएगी इस वाले ट्राइंगल के लिए और बिल्कुल यही वाला प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा और फाइनली हम लोग इसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे तो यहां पर हमें सिर्फ एक काम करना है कि स्पीड को डबल कर देना है और अगर स्पीड डबल की है तो डेफिनेटली टाइम चेंज होगा ही होगा क्यों क्योंकि डिस्टेंस तो डी बाई टू ही है तो यहां पर हम लोग कहेंगे 3/2 इंटू 2v और अब जो टाइम होगा मान लीजिए वो कितना है
T2 और डिस्टेंस जो कवर करनी है वो D/2 कवर हो चुकी थी, D/2 बची हुई थी। यहाँ से ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट, हमें यहाँ पर चाहिए टाइम, टोटल टाइम की कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को कैच कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम यहाँ से T1 का भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। सो T1 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा D/3V, और यहाँ से T2 का वैल्यू 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो T2 का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है D/3×2 6, ओके 6V। सो T1 और T2 का वैल्यू आ चुका है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पर वो तीनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे। ओके, सो यू कैन राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू अस। ओके, सो लिख लीजिए इसको, तब तक इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूँ। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। सो D/3V + D/6V, ओके, D/3V आया था प्लस D/6V आया था। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, या यूं कहें कि अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आएगा 2D + D, यानी 3D आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6V। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी D/2, दैट विल बी द आंसर आफ्टर दिस टाइम दे विल कैच टू ईच अदर। ओके, सो D/2V, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू अस। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर आपको दिया गया है Vx कर्व, ओके, ये है वेलोसिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट। Vx कर्व आपको दिया गया है और आपको एक्सेलरेशन एंड x यानी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कर्व फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, इक्वेशन होता है y = mx + c, दैट वी नो। ओके, y होता है mx + c, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए m की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, m यहाँ पर क्या है, स्लोप आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री से ज्यादा, सो स्लोप विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बिकॉज इट इज tan थीटा, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी -v0/x0, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो m यहाँ पर हमें मिल चुका है -v0/x0। ओके, अब बात करते हैं c की, तो c यहाँ पर क्या है, y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेक्शन कितना है बच्चों, v0, तो c का वैल्यू है यहाँ पर v0। ओके, सो m और c का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है, इसकी हेल्प से अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या आएगी, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग m का वैल्यू y एक्सिस पर कौन था बच्चों, वेलोसिटी, y पर कौन था, वेलोसिटी। ओके, सो वी विल राइट v = m का वैल्यू कितना है, -v0/x0, और x एज इट इज, c का वैल्यू है +v0। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करना है बच्चों, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये होता है v dv/dx, तो हमें यहाँ पर v का वैल्यू दिया गया है, dv/dx का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो क्या आएगा बच्चों, -v0/x0, ये 0, इट मीन्स -v0/x0, तो ये स्लोप यानी m आ चुका है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो इक्वेशन आएगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो y = mx + c होता है, y पर कौन है, एक्सेलरेशन, m पर कौन आएगा, स्लोप, x पर x और c। ठीक है, तो a एक्सेलरेशन ये हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों,
एक्सेलरेशन वी डीवी ओवर डीएक्स, वी हमारे पास ये है और डीवी ओवर डीएक्स हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका। इन दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दिया जाए एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। वी का वैल्यू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ओके ये आ गया हमारे पास वी। अब डीवी ओवर डीएक्स का वैल्यू कितना था, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहां से मिल रहा है माइनस माइनस प्लस, यानी वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स एज इट इज, और ये आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। तो ये यहां पर हमें एक्सेलरेशन और पोजिशन के बीच का इक्वेशन मिल चुका है। अब इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, इट मींस लाइन इधर जाएगी, इधर की ओर 90 से कम एंगल होगा, ओके। और इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, ओके। सो इंटरसेक्शन नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, तो कैसा ग्राफ बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू अस। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, आप लोग उसको पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए ये एक्सेलरेशन, अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन नेगेटिव, नेगेटिव इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, ओरिजिन से नीचे, स्लोप है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप इधर, इट मीन्स द कर्व विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये होगा ए और एक्स के बीच का ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन नेगेटिव, ओके। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इससे ये मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न, ओके। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए फाइनाइट हाइट एच अबव the ground level under gravity due to air resistance the net acceleration of particle becomes a is equal to g minus kv in the direction of velocity where k is positive constant and v is speed of particle then which of the following graphs is are possible इनमें से कौन से ग्राफ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर हमें त्वरण का इक्वेशन दिया गया है और हमें इन चारों में से चेक करना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। यह है स्पीड टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन टाइम, ये हाइट टाइम और ये एक्सेलरेशन स्पीड ग्राफ। तो आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं कि कौन सा ग्राफ इनमें से सही होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन से स्पीड हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो एक्सेलरेशन से हम लोग स्पीड का इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक कितना है यहाँ पर जी माइनस के वी, ओके ए है g minus kv, acceleration as we know that acceleration kya hota hai bachcho dv upon dt, okay so ye aayega dv upon dt, ye aayega g minus kv, kv v wala part complete yahan le aao, dt ko yahan le gaye to dv upon g minus kv it will be dt, dono side kar diya integration, okay so from here we will get ये आ रहा है वन अपॉन दिस वन, इट मीन इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा बच्चों लॉग बेस ई जी माइनस के वी, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड भी करना पड़ता है, ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो डिफरेंशिएशन किया जी का जीरो, इसका किया तो माइनस का के, ओके तो ये आएगा इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन और यहां पर टाइम ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीटी दैट विल बी टी हियर, ओके। और शायद हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वगैरह दी हुई है ड्रॉप्ड, ओके ड्रॉप किया इट मींस इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, ओके सो यहाँ पर हम लोग चाहे तो लिमिट भी ले सकते हैं कि टी का वैल्यू जब जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, जब टाइम टी है तब वेलोसिटी भी है, तो ये सब लिमिट रखने के बाद भी हमको यही इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें मिल रहा है लॉग बेस ई जी माइनस के वी अपॉन माइनस के, दिस मींस द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट का यूज करें, लिमिट स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी जीरो, अभी टी टाइम पर वेलोसिटी
क्या लिया हमने, वी लिमिट जीरो से लेकर वी तक, यहाँ पर टाइम का लिमिट जीरो से लेकर टी तक, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करें तो ये आएगा बच्चों माइनस वन अपॉन के बाहर आ जाएगा, ये आएगा लॉग बेस ई जी माइनस के वी, ओके। ये आ गया हमारा अपर लिमिट। अब वी का वैल्यू जीरो, इट मीन नाउ वी आर पुटिंग लोअर लिमिट, सो यहां पर ये आएगा बच्चों लॉग बेस ई जी माइनस के इंटू जीरो, ठीक है। यहां तक ये हमने यहां पर वी का वैल्यू रख दिया जीरो, और यहां पर हमने सॉल्व किया अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट इट विल बी माइनस वन अपॉन के एंड लॉग जी माइनस के वी, और यहाँ पे आएगा लॉग जी, ओके। सो लॉग ए माइनस लॉग बी का हम लोग यहाँ पर यूज करके लिख सकते हैं लॉग जी माइनस के वी अपॉन जी, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है टी, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लॉग बेस ई इट विल बी जी से जी यहाँ पर कैंसिल माइनस के अपॉन जी इंटू वी एंड इट विल बी माइनस के वी, ठीक है। तो यहां पर हमें इस वेलोसिटी या स्पीड और टाइम के बीच का इक्वेशन मिलने जा रहा है, ये लॉग की फॉर्म में है लेकिन हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, राइट डाउन इट, ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू अस, ओके। चलते हैं आगे, तो यहां पर ये आ रहा है बच्चों वन माइनस k अपॉन g इंटू वी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, लोग हमने यहाँ पर हटा दिया तो e की पावर माइनस के टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस के टी एंड इट विल बी k अपॉन g इंटू वी, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट v दैट विल बी g अपॉन k वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी अगर t का वैल्यू है यहाँ पर जीरो तो v का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि e की पावर जीरो होता है वन, वन माइनस वन जीरो, सो t का वैल्यू अगर जीरो है तो v का वैल्यू जीरो आएगा, इट मीन्स आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओके। और एक्सपोनेंशियल कर्व है तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व भी नहीं आ सकता। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर स्पीड और टाइम कर्व की, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब टाइम का वैल्यू है जीरो तब स्पीड भी कितना है, जीरो, और एक्सपोनेंशियली यहाँ पर टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियली यहाँ पर टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो कम हो रहा है, इट मीन्स दिस कर्व विल बी लाइक दिस, ओके। सो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल कर्व, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि कितना भी टाइम यहाँ पर हम लोग स्पेंड कर दें कभी भी ये वेलोसिटी जी अपॉन के बराबर नहीं पहुंच पाएगी, ओके। इट मींस द ग्राफ विल नॉट टच जी अपॉन के, दिस लाइन, इस लाइन को ये कर्व टच नहीं कर पाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं और आगे, ओके, राइट डाउन इट, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो यहां पर है swimmer can swim with a speed of 15 meter per second in still water, he wants to reach at the point b ke upar wo pahunchna cha raha hai, as shown in the figure, speed of river is 10√3 meter per second and width of river is 100√3 meter, then time taken by the man to cross the river, is man ko is river ko cross karne mein kitna time lagega, ye hame yahan par find out karna hai. To bachcho maan lijiye ki jo man hai wo is side ke andar जाना स्टार्ट कर रहा, ठीक है। अगर हम कहें कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर, तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट यहां पर ले सकते हैं, एक कंपोनेंट यहां आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर, यानी फ्लो के अपोजिट आएगा और एक फ्लो के परपेंडिकुलर आएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर। अब क्या कह रहा है, अगर हम कहें कि मान लीजिए ये है एंगल थीटा, ठीक है, अगर हम कहें कि ये है एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा वी एम आर साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा वी एम आर कॉस थीटा, सही बात है बच्चों, वी एम आर कॉस थीटा। तो अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम हमें यहां से मिल जाएगा विड्थ अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
अलोंग द विड्थ, यानी ये आएगा 100 रूट 3 अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। इस वाली इक्वेशन से हमें आंसर मिलेगा। इसके लिए हमें पहले वी एम आर और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ही वॉन्ट्स टू रीच एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी के ऊपर पहुंचना चाह रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट बी के ऊपर पहुंचना चाह रहा है, विड्थ यहाँ पर दी गई है, तो क्या हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ड्रिफ्ट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके? तो ये ड्रिफ्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेंथ कितनी है बच्चों? 100√3 मीटर, ओके? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ओके? सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इस ड्रिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी 10√30 डिग्री परपेंडिकुलर को P मान लीजिए, ठीक है, P बेस कितना है? 100 अपॉन रूट 3, ओके? सो फ्रॉम हियर 10√30 होता है 1 अपॉन रूट 3, सो इट विल बी P अपॉन 100 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, इट मींस ड्रिफ्ट का वैल्यू आ गया 100 मीटर। तो हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट का वैल्यू मिल चुका है 100 मीटर, ओके? राइट डाउन इट, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको, और सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये टाइम हमें चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हमने यहाँ पर पहले ड्रिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, अब हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों? ड्रिफ्ट होता है वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टी, ये ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? रिवर। और इस ड्रिफ्ट का अपोज कौन कर रहा है? वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे, और टी टाइम में इसने रिवर को क्रॉस किया, तो टी टाइम में ही ये मैन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट भी इसी टाइम के अंदर होगा, ओके? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल बी द फॉर्मूला, और ड्रिफ्ट का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 100। ये VR का वैल्यू कितना है बच्चों? VR का वैल्यू है हमारे पास, VR का वैल्यू है 10√3, नदी की चाल 10√3, ओके? सो यू कैन राइट इट 10√3 माइनस VMR साइन थीटा एज इट इज, और टाइम लिख दीजिए T, ठीक है यहाँ तक, ओके? तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है, यहां से हम लोग इस टाइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ओके, ठीक है। अब देखिए ये है इक्वेशन 1, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, राइट डाउन इट, और अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर बी एम आर का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, देख लीजिए एक बार, तेरा शांत जल में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तैर सकता है, ओके? तो ये हमारा VMR का वैल्यू, VMR का वैल्यू हम लोग यहाँ और यहाँ पर अगर रख दें और उसके बाद अगर सॉल्व करें तो हमें टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके? सो इक्वेशन 1 और 2 का आप लोग सॉल्व करके आसानी से टाइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार क्या आएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें इक्वेशन नंबर 1 से बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहां से टी ये आएगा 100√3, वीएमआर का वैल्यू 15, ओके, और ये है कॉस थीटा, ठीक है, वीएमआर का वैल्यू रखने पर ये आ रहा, ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। और यहां से हम लोग चाहें तो वी एम आर का वैल्यू रख के इक्वेशन ला सकते हैं, ओके? सो ये आएगा 100√3 माइनस वी एम आर का वैल्यू कितना? 15, इट विल बी साइन थीटा एंड इट इज टी, सो 5 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 एंड इट विल बी 2 times एंड इट विल बी 20 times, ओके? तो यहां से आ रहा है 20 = यारा बच्चों 2√3, ओके, एंड माइनस
साइन थीटा, ओके, और ये आ रहा है इनटू टी, इसको हमने कहा लैट इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल भी दो है, थीटा और टी, ठीक है ना। तो वेरिएबल भी दो है, इक्वेशन भी दो है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग आसानी से टाइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है सातवां प्रश्न, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्लस एस शोन इन द डायग्राम। यहाँ पर पार्टिकल ए और बी आपको दिए गए हैं। द पार्टिकल ए ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। इस पार्टिकल को हमने फेंका हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ यू एंड द बी इज प्रोजेक्टेड अलोंग द सरफेस टुवर्ड टावर साइमल्टेनियसली। यानी ए और बी को हमने एक साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, ए को फेंका इधर और बी को इधर की और हमने थ्रो किया है, ओके, अलोंग द सरफेस साइमल्टेनियसली, इट मींस साथ साथ। इफ पार्टिकल्स मीट ईच अदर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विल बी। यानी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा यदि ए और बी किसी पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा है ये प्रश्न। देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये पार्टिकल मान लीजिए जा रहा है यहाँ, और उतने ही टाइम में ये पार्टिकल आ रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट पर आकर ये दोनों मिल जाएंगे। मान लीजिए कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो है टी, ठीक है। तो उतना ही टाइम पार्टिकल बी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, ओके। इट मीन्स ए का हॉरिजॉन्टल रेंज और बी ने जो डिस्टेंस कवर की है उन दोनों का सम क्या होगा, बी के बराबर। तो मान लीजिए कि रेंज कितनी है आर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है एक्स, R प्लस एक्स का वैल्यू ये आना चाहिए D के बराबर। और R का फॉर्मूला आपको याद है, U इंटू टू एच अपॉन जी का रूट, याद है आपको, ओके। और ये X, और ये D, ठीक है बच्चों याद है। अब हमें यहां पर चाहिए U का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस x का वैल्यू भी ला सकते हैं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग यहां पर r प्लस x, ठीक है, r का वैल्यू हमने यहां पर रख दिया है x, और ये d आ चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2h अपॉन g का अंडर रूट एंड दिस विल बी d माइनस x, ठीक है यहां तक। तो हमें चाहिए यहां पर कर्ण B की प्रक्षेपण चाल, यानी इसकी स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो x यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल v इनटू टाइम t, और टाइम t का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो एज वी नो कि हाफ जी टी स्क्वायर ये होगा इस h के बराबर, तो यहां से हमें t का वैल्यू मिल रहा है 2h अपॉन g का अंडर रूट। तो t का वैल्यू हम लोग यहां पर अगर रख दें तो यहां से हमें मिल रहा है vb into t, का वैल्यू कितना है 2h अपॉन g का रूट। तो x का वैल्यू भी आपको यहां पर मिल चुका है, तो इसको हमने कहा इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 2 से x का वैल्यू हम लोग यहां पर रख दें तो हमें यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी vb का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ तक लिखिए और इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा बच्चों u इनटू 2h अपॉन g का रूट, ओके, इज इक्वल टू d माइनस x, x का वैल्यू कितना है बच्चों vb इनटू 2h अपॉन g का रूट। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके इसको यहां पर ले आए, ओके, या यूं करें vb as it is 2h upon g, मतलब इसको यहां ले आए और इस वाले पार्ट को यहां पर, तो ये d माइनस u इंटू 2h upon g का रूट। अब अगर हमें चाहिए vb तो हम लोग इस 2h upon g से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा d upon 2h upon g, इट विल बी g upon 2h का रूट,
and it will be minus u. So this will be the answer. Okay, so from options you can check which is the correct answer. Okay, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि d root 2 root g upon 2h minus u, यानी ये वाला ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर दे रहा है. सो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन. ओके, राइट डाउन इट, लिख लीजिए इसको, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला प्रश्न है हमारे पास ये, बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ऑफ दिस मच इन टाइम दिस मच, देन वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स. यानी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी एरर के साथ. वेलोसिटी होती है वी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा वी. ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं. तो हम लोग यहाँ पर वी ट्रू का वैल्यू निकाल सकते हैं. वी ट्रू होगा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रू अपॉन टाइम ट्रू. डिस्टेंस ट्रू कितना है बच्चों, डिस्टेंस है 13.8 और टाइम का ट्रू वैल्यू कितना है 4. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू कितना आएगा. सो 4 डिवाइड किया हमने इसको, सो 4 3 जा 12 बच जाएगा एक, 4 4 जा 16 बच जाएगा 2, 4 5 ओके 3.45 इट विल बी 3.45 ओके. और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर इस 5 को हम लोग रिमूव करें, क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए आंसर के हिसाब से. तो अगर हम लोग 5 को हटा रहे हैं तो इट विल बी 3.4 ओके. सो आंसर में 3.4 तो आएगा ही आएगा. तो चारों ऑप्शंस में से केवल यहाँ पर 3.4 दिया हुआ है. और बात रही यहाँ पर एरर की, तो एरर भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. एज वी नो कि वेलोसिटी हमें यहाँ पर चाहिए, तो v होता है x अपॉन t. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन v ट्रू इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x ट्रू प्लस डेल्टा t अपॉन t ट्रू. इन सब का वैल्यू रख के हम लोग आसानी से अपना डेल्टा v का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि v ट्रू आ चुका है हमारे पास, डेल्टा x आपके पास है ही 0.4, x t का वैल्यू 13.8 और ऐसे ही डेल्टा टी और टी का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है. इसको सॉल्व करके आप लोग न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि एरर कितनी होगी. तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आंसर आना चाहिए सेकंड में. ठीक है बच्चों, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यू कैन राइट इट, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In the plane, progressive wave propagating with velocity v and displacement of a particle at a position x in time t is represented by the equation y is equal to a sin k vt minus x, where a is the amplitude and so here we are going to find out that what will be the dimension of k. So k ka yahan par dimension kya hoga, yahan par bilkul simple sa ek question hai, hum log yahan par directly bhi solve kar sakte hain ki k ka डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन के अंदर जो कुछ आएगा वो होगा थीटा, यानी वो होगा एंगल, और एंगल की डायमेंशन होती है m0, l0 और t0. इट मींस फ्रॉम हियर कि अगर इसको ओपन हम लोग कर रहे हैं तो ये आएगा साइन के वी टी माइनस के एफ, और ये भी होगा एंगल, ये भी होगा एंगल. तो ये अगर एंगल है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0, 0, 0. सो kx की डायमेंशन है m0 l0 t0. सो फ्रॉम हियर इट विल बी 1 अपॉन x. सो x यहां पर क्या है बच्चों, x यहां पर डेफिनेटली क्या होगी, लेंथ होगी. क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर ओके बच्चों, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर x क्या है, x इज पोजीशन हियर, एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ x विल बी l. सो वी कैन राइट इट as 1 upon l. So from here we can write l raised to minus 1. So dimension of k will be l raised to minus 1. So from here you can see fourth option is the correct answer. ठीक है ना, so fourth option सही answer हो जाएगा. बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर. You can write down it. Okay, चलते हैं आगे. Next question है हमारा,
if a and b are the two vectors, then the value of a plus b cross a minus b, यानी a plus b cross a minus b का वैल्यू हमको यहाँ पर पता करना है ऑप्शन से. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर a plus b, a cross a ये आएगा a cross a, ठीक है, ये आएगा minus a cross b, और यहाँ पर ये आएगा b cross a and it will be minus b cross b. Minus b cross b. Okay, so a cross a that will be a sine 0 degree, क्योंकि खुद का खुद के साथ एंगल होता है 0 degree. So from here also we can say it will be 0 and this also will be 0. इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 0. अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं a cross b और b cross a की. तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 into b cross a और 2 into b cross a with minus sign. तो कौन सा आंसर इसमें सही होने की संभावना है? तो b cross a की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लाने का ट्राई कर रहे हैं. तो ये है बच्चों b cross a, ठीक है, और इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो ये माइनस b cross a बन जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल. सो फ्रॉम ये b cross a plus b cross a मींस इट विल बी 2 into b cross a, ये बन जाएगा डबल ऑफ b cross a. इट मींस और आंसर विल बी 2 into b cross a. ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर हमें दिया पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x है हमारा a cos ओमेगा t, y हमारा a sin ओमेगा t एंड z हमारा a ओमेगा t. देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहां पर स्पीड ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना. आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं. सो यहां पर हम लोग बात करें vx की, ये आएगा dx अपॉन dt, इट मींस इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो ये आएगा a cos का किया तो माइनस sin ओमेगा t, t के साथ कौन है यहाँ पर ओमेगा, इट मींस ओमेगा भी यहाँ पर आएगा ही आएगा. सो इट विल बी माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t. ओके, सो दिस इज vx. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट vy, और vy भी कुछ ऐसा ही इसी फॉर्म के अंदर आएगा. अगर हम लोग यहाँ पर a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करें सो इट विल बी a sin का किया तो cos ओमेगा t, और t के साथ कौन है ओमेगा, ओमेगा भी एक बार वापस आएगा. सो ये आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, दैट विल बी vy. अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं vz की, तो vz ये क्या होगा बच्चों, vz अपॉन dt, इट मींस z का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो ये आएगा सिर्फ a into omega. ओके, चलिए तो ये आ गया vx vy और vz. अब हमें क्या करना है, हमें नेट वेलोसिटी या स्पीड फाइंड आउट करनी है. ओके, तो अगर नेट स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर का रूट हमें करना पड़ेगा. vx का वैल्यू है माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी sin स्क्वायर ओमेगा t. vy का स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस vz का स्क्वायर. vz कितना बच्चों, a ओमेगा, इट विल बी a ओमेगा का होल स्क्वायर और इन सब का रूट. अगर हम लोग यहां पर देखें तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो यहां पर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी कॉमन, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विल बी 1. ओके, तो यहां से हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद में इसको और आगे सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या आएगा फाइनल आंसर. देखिए बच्चों, यहां से आ रहा है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, ये आएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट फ्रॉम हियर, इट विल बी 2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट, इट मींस इट विल बी रूट 2 a इनटू ओमेगा. सो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, राइट डाउन इट. बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर. हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अब 12th क्वेश्चन है ये हमारा. 12th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि चाल त्वरण और बल मूल भौतिक इकाइयां माने तो प्रत्यास्थ तथा गुणांक की विमा क्या होगी. ओके, इट मींस हमें यहां पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन एंड फोर्स. तो मान लीजिए कि y डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b और फोर्स की पावर
सी, तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वेलोसिटी हो जाएगी एल टी माइनस वन इसकी पावर ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा एल टी माइनस टू इसकी पावर बी, और फोर्थ होता है बच्चों एम एल टी माइनस टू और इसकी पावर सी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर हम लोग एम एल और टी की पावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर एम की पावर क्या आ रही है बच्चों सी, और यहाँ पर m की पावर 1, इट मीन c का वैल्यू यहाँ से 1, t की पावर यहाँ से माइनस ए, t की पावर यहाँ से माइनस टू भी, और यहाँ पर माइनस टू सी, और यहाँ पर t की पावर कितनी है बच्चों माइनस वन, माइनस वन यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ गई एक और इक्वेशन। अब बात करते हैं m l t यानी l की बात हम लोग अब कर रहे हैं। ओके ओके ओके, l की बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, एल की पावर। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ पर हमने लिए टी की पावर माइनस ए माइनस टू बी और माइनस टू सी, तो यहाँ पर भी हम लोग टी की पावर माइनस टू, इटमीन यहाँ पर आएगा माइनस टू सी, यहाँ पर आएगा माइनस टू। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एल की, एल की पावर माइनस वन। ओके, और यहाँ पर एल की पावर ए, यहाँ पर एल की पावर बी, यहाँ पर एल की पावर सी, एल की पावर एल की पावर एल की पावर। ओके ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एल की पावर यहाँ पर कितनी है माइनस वन। ओके माइनस वन, तो यहाँ पर हम लोग अगर इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमें फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसके आगे सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो एक इक्वेशन और हमें यहाँ पर मिल जाएगी। सिमिलरली फ्रॉम हियर ऑल्सो, तो इसको कैलकुलेट करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है, सो यू कैन सॉल्व इट। ओके, और अगर आप चाहें कि मैं इसको सॉल्व कर दूँ, चलिए ठीक है सॉल्व किए देते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ओके, तो क्योंकि टाइम ठीक है, आप लोग यहाँ पर सी का वैल्यू रख के और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सी का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है वन, एफ की पावर सी आई बी यानी वन। ओके, प्रॉब्लम है सिर्फ बी और ए का, तो बी की पावर और ए की पावर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसको सिंपल सा सॉल्व करना ओके कर सकते हैं हम लोग। देखिए सी माइनस ए माइनस टू बी और यहाँ से आएगा माइनस टू, क्योंकि सी का वैल्यू क्या है वन और ये आ गया माइनस टू, सो फ्रॉम हियर ये आ रहा है माइनस ए माइनस टू बी, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस वन, तो ये आएगा ए प्लस बी बराबर सी का वैल्यू वन। ओके, तो ये आएगा माइनस टू, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस टू आ रहा है, तो ए प्लस बी का वैल्यू माइनस टू, तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो हमें फाइनली यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐड कर दिया तो ये आ रहा है माइनस बी माइनस टू, तो बी का वैल्यू टू आ रहा है, तो बी का वैल्यू टू सी का वैल्यू वन, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। ए प्लस बी, बी का वैल्यू टू आ रहा है और ये आ रहा है माइनस टू, तो ए का वैल्यू माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस फोर यानी बी की पावर माइनस फोर यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, और ए की पावर बी, ए की पावर बी, बी का वैल्यू कितना टू, तो टू यहाँ आ रहा है। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लेट एल आर एंड सी एंड बी रिप्रेजेंट्स इंडक्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर सी बी इन यूनिट्स विल बी, एल अपॉन आर सी बी का हमें यूनिट या डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो एल अपॉन आर, ओके, और सी बी को कर ले अलग, तो सी बी क्या होता है बच्चों क्यू, क्यू बराबर क्या होता है सी बी, तो हम लोग इसको रख सकते हैं एल अपॉन आर वन अपॉन क्यू। ठीक है, और एल अपॉन आर क्या होता है बच्चों, एल अपॉन आर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है वन अपॉन टी। ठीक है, एल अपॉन आर होता है वन अपॉन टी,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आएगा एल अपॉन आर वन अपॉन टी, और क्यों होता है एल अपॉन आर ये होता है टाइम। एल आर सर्किट के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि एल अपॉन आर ये होता है टाइम, ठीक है। तो एल अपॉन आर दैट विल बी टाइम, सो वी कैन राइट हियर टाइम एंड क्यू क्या होता है आई टी, आई इंटू टी, सो टी से टी यहां पर कैंसिल, आई गया ऊपर, आई की पावर माइनस वन, इट मीन एम्पियर की पावर माइनस वन, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, ओके, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ग्राउंड हियर्स दैट साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से मान लीजिए ये नॉर्थ, ओके, तो नॉर्थ की ओर से कुछ साउंड आ रहा है, ओके, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल पर वो साउंड मिल रहा है, ओके, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, तो ग्राउंड के साथ 60 के एंगल पर ये हुआ एंगल 60 डिग्री, तो स्पीड ऑफ साउंड ये इधर की ओर, ठीक है ना, बट ही फाइंड्स दैट द एरोप्लेन इज राइट वर्टिकली अबव इट्स पोजिशन। तो अगर हम लोग कहें कि आदमी जो है वो यहां पर है, तो एरोप्लेन इस समय कहां पर है, यहां पर, ऐसा आपसे कहा गया है। इट मीन्स जितनी देर में साउंड ने यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तय की, उतनी देर के अंदर एरोप्लेन ने यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कवर कर ली है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको मैंने कह दिया वी ए, और ये हो गया वी एस, ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, सो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड is v then the speed of a plane, plane ka speed kya hoga, so from this triangle we can see that it is base, it is hypotenuse, so cos theta ye hota base upon hypotenuse, base kam value kitna va, aur va ko yahan par find out karna hai hame, okay, and hypotenuse velocity of sound jisko yahan par kaha gaya hai v, so we can write here v, so va ka value yahan se aapko mil jayega v cos 60 degree, so v and value of cos 60 that will be 1/2, so from here it will be v/2, so this is the answer, okay। बढ़ते हैं हम लोग अपने next question की ओर। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है 15th, okay, in an experiment of simple pendulum time period measured was 50 second for 25 vibration, then the length of the simple pendulum was 100 cm, if the least count of the stopwatch is 0.1 second and that of meter scale is 0.1 centimeter. Then calculate the maximum possible percentage error in the measurement of value of gravitational acceleration. Okay, so as we know कि t होता है 2 pi root l upon g, हमें यहाँ पर g के अंदर percentage error find out करना है, तो पहले हम लोग g को अलग कर लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, तो t square it will be 4 pi square it will be l upon g, तो g को यहाँ ले आइए, okay, so it will be 4 pi square l upon t square, okay, g को यहाँ ले आए तो ये आ गया 4 pi square l upon t square, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 4 pi square is constant, so from here अगर error के formula हम लोग apply करें तो क्या आएगा बच्चों, delta g upon g is equal to delta l upon l plus 2 delta t upon t, क्योंकि यहाँ पर t की power कितनी है 2, so in this form it will be there, okay, अब हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो हम लोग इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा इससे, इससे आपको अगर हम लोग दोनों साइड के अंदर 100 से कर दे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इट मीन इट विल बी इन परसेंटेज, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 and it will be 2 delta d upon t into 100, okay, और इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एल दिया गया है आपको, डेल्टा एल का वैल्यू
डेल्टा एल का वैल्यू आपको दिया गया है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर और मीटर स्केल इतनी आपको लेंथ यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर, इसका वैल्यू आप लोग 1 मीटर और डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर बिटवीन 0.1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो यहाँ पर आप लोग डेल्टा एल और एल का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच कितना है बच्चों, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकंड, ठीक है। लिस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 सेकंड दिया गया है, लेकिन याद रखिए जितने यहाँ पर वाइब्रेशंस हुए हैं उसका हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ पर डेल्टा डी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर कितने बच्चों 25, ओके, सो इट मींस 25 पे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पर लिस्ट काउंट मिल पाएगा। सो दिस इज एक्चुअली डेल्टा टी हियर, क्योंकि हमको पता है कि जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं लिस्ट काउंट उतना ही कम होता जाता है। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन आपको इसको डायरेक्टली भी याद रखना है, ओके। सो यहाँ पर ये आएगा हमारा डेल्टा टी, और टी का वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 50 सेकंड लग रहे हैं 25 वाइब्रेशंस के लिए, ओके, 25 वाइब्रेशन के लिए 50 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो एक वाइब्रेशन के लिए 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये आएगा हमारा टी का वैल्यू, ओके। सो टी का वैल्यू यहाँ पर 2 सेकंड और डेल्टा टी का वैल्यू 0.1/25 आप लोग यहाँ पर रख दोगे, और इसको न्यूमेरिकली आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ये सिंपल सी अब कैलकुलेशन है जो कि आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, ओके। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ओके, आई होप यू कैन सॉल्व इट, और अगर आप चाहे तो चलिए ठीक है, इतना कोई खास है नहीं, ओके ओके ओके। और लेंथ, लेंथ यहाँ पर पेंडुलम की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर आपको एल का वैल्यू दिया गया 100 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। तो अब आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा एल का वैल्यू क्या आया था 0.1, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एल का वैल्यू ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि पेंडुलम की लेंथ यानी इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें लेनी होती है, तो वो 100 सेंटीमीटर है, वो 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर तो वो स्केल है जिसकी हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर में एल का वैल्यू 100 × 100 प्लस 2 डेल्टा टी का वैल्यू, डेल्टा डी का वैल्यू यहाँ से 0.1/25 इंटू टी का वैल्यू यहाँ से कितना 2, ठीक है ना, टी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 सेकंड, यानी एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगा वह 2 × 100, ओके। इसको सॉल्व करके हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, इट मींस इट विल बी 0.1, इट विल बी 0.4, इट मींस आंसर विल बी 0.5%, ओके, सो 0.5% आंसर होना चाहिए, सो आंसर विल बी सेकंड वन, ठीक है बच्चों, ओके। कैलकुलेशन है सबसे मेन जो बात यहाँ पर ये है कि वाइब्रेशंस का डिवाइड करके आपको यहाँ पर लिस्ट काउंट ऑफ टाइम निकालना है, तब जाके आप लोग आगे सॉल्व करके इसको बहुत आसानी से अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम है, सार्थक अंक किसमें सबसे कम है। देखिए बच्चों सार्थक अंकों की बात करें यहाँ पर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो हमको पता है कि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो यानी ये वाला जीरो और ये वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। So from here we can say 1, 2, 3, 4, only there will be 4 significant figure. So answer is first one. इसके अंदर सार्थक अंक न्यूनतम है, ठीक है बच्चों, करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिया गया है, चलिए देखते हैं। A particle is moving along a straight line
whose velocity displacement graph is shown in the figure. यहाँ पर आपको एक velocity और displacement का graph दिया गया है. Then what is the acceleration when displacement is 3 meter? तो हमें यहाँ पर acceleration find out करना है जब displacement कितना हो 3 meter. Okay? तो आइए देखते हैं. Okay? तो ये है vx graph. तो हमें पता है कि बच्चों acceleration होता है v dv over dx. जानते हैं हम लोग acceleration हमें चाहिए. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर dv upon dx की बात कर लेते हैं. dv upon dx क्या होता है बच्चों? स्लोप. vx ग्राफ का स्लोप. तो यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है? ये एंगल है 60. तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री. इट मीन्स इट विल बी tan 120 डिग्री. और tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -√3. ओके, -√3. तो यहाँ पर हमें मिल चुका है dv upon dx का वैल्यू. और अब हमारी प्रॉब्लम है v की. तो यहाँ पर जब x का वैल्यू है 3, तब v का वैल्यू कितना है बच्चों? 4. तो v का वैल्यू भी मिल चुका है. कितना? 4. तो v और dv over dx का वैल्यू हम लोग रख के यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. v का वैल्यू 4, dv over dx का वैल्यू -√3. सो इट विल बी द एक्सेलरेशन -4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर. डिटरमाइन द इंस्टेंट व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. हमें वो इंस्टेंट पता करना है अप्रोक्सीमेटली जब ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं. अब हमको पता है कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो जिस टाइम पर दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा उस समय दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी. सही बात है. ओके, तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है. अगर हम लोग बात करें इस कर्व का किस पॉइंट पर स्लोप इसके पैरेलल आएगा, तो हमको यहाँ पर हल्का सा आइडिया लग रहा है कि इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आएगी कुछ ऐसे. ओके, इट मीन्स दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दी दिस वन. यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको ऐसे आएगी लाइन. ओके, so this line is parallel to the this one. So from here we can say that at this moment velocities will be same. And t का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है? 15 सेकेंड. So answer will be 15 सेकेंड. ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो 19th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि a ball is projected from a point A with same velocity at an angle. Okay. With the horizontal as shown. Consider a target at point B. The ball will hit the target if it is thrown with a velocity v not equal to. हमें यहाँ पर चेक करना है कि अगर इस पॉइंट से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो क्या ये इस पॉइंट को हिट कर पाएगी. ठीक है ना, क्या ये इस पॉइंट को हिट कर पाएगी? और अगर हिट कर रही है तो यहाँ पर हमें v not का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ पर. तो बच्चों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपको y का वैल्यू दिया गया है. y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दिया गया है, साथ ही साथ आपको x कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, x भी दिया गया है. तो अगर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को ये दोनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई कर जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई कर जाए तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंचेगा. और अगर सेटिस्फाई ना करे तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर होगा ही नहीं. सही बात है. तो आइए हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर है क्या. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं. तो बच्चों वाई क्या होता है? वाई होता है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी x square upon u square cos square theta. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर x और y का वैल्यू रख के y का वैल्यू कितना 0.5, x का वैल्यू कितना √3/2. तो जब और theta का वैल्यू कितना 30 degree. तो आप जब y x theta g का वैल्यू इन सब का वैल्यू आप लोग रखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि इस u का एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा. इस u का एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा. आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. ओके, तो कैलकुलेशन इज देयर
लेकिन आपको जो हिंट है वो मैंने दे दिया है कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके चलिए, वाई का वैल्यू कितना है बच्चों? 1/2। एक्स का वैल्यू कितना है? √3/2। तो वाई का वैल्यू 1/2, वाई का वैल्यू 1/2, एक्स का वैल्यू √3/2। देख लेते हैं √3/2, ठीक है। और टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना था बच्चों? 30 डिग्री। ओके, माइनस हाफ जी का वैल्यू कितना? 10। एक्स का वैल्यू कितना था? √3/2। इसका स्क्वायर करना है, नहीं 3/4 आ जाएगा, ठीक है। यू, यू का वैल्यू कितना? ये हमें चाहिए, ठीक है ना, वी नॉट स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ रहा है 1। टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/√3। तो 1/√3 माइनस ये आएगा अपना 30/4 एंड इट इज वी नॉट स्क्वायर। और थर्टी डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, ये 10 टाइम्स इसका कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, और यहाँ पर आएगा 10 और ठीक है, और यहाँ पर आएगा वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 1/0, इट मीन्स इनफाइनाइट। हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पर? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इट मीन्स नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। ओके, तो सीधी सी बात ये हुई कि ये पॉइंट उसके पाथ पर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 20th, और यहां पर आपसे कहा गया है कि द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद सम वेलोसिटी मेकिंग एन सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो किया है, एंगल थीटा मान लीजिए या अल्फा मान लीजिए। ओके, which of the following graphs is the best representation for the kinetic energy of projectile versus its horizontal displacement? यानी हमें x और k के बीच का ग्राफ पता करना है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है, देखिए ये है x और हमको पता है कि यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पता है हमको, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और उसके बाद वापस से बढ़ेगी। तो कौन सा ग्राफ है यहाँ पर? काइनेटिक कम हो रही है उसके बाद बढ़ रही है। एक तो ये ग्राफ है, कम हो रही है बढ़ रही है, एक ये ग्राफ है, कम हो रही है बढ़ रही है। लेकिन इस ग्राफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है, जबकि हमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो। इट मींस ये ग्राफ नहीं होगा। तो ऑप्शन रह गया हमारे पास कौन सा? फोर्थ वन। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21, सॉरी फर्स्ट वन। ओके, अब देखते हैं सेक्शन डी है ये, इट इज मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है 20। ओके, this section contains 5 questions, the answer to each question is a numerical value. ये 5 जो questions है इनकी answer होंगे numerical value में, इनके options नहीं दिए गए हैं आपको। okay, और numerical value की जो range है वो है 0 से लेकर 99 तक। you will be awarded 4 marks for correct answer and 0 marks for incorrect answer, ठीक है ना। सही answer के लिए 4 marks है और गलत के लिए कोई marks आपका नहीं कटेगा। it means आपको ये question तो attempt करने ही चाहिए, नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर। ओके चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया दिस मच इज बीइंग चार्ज्ड विद द रेट ऑफ 5 μC/s, देन टाइम इन विच द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर विल बिकम 3 μC/m² इन सेकेंड। यानी कितने टाइम के बाद इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है प्रश्न, देखिए बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया आपको दिया गया है कितना? 10 μ² एंड रेट ऑफ चार्जिंग यानी dQ/dt आपको दिया गया है कितना है? 5 μC/s, ठीक है यहाँ तक। ओके, उसके बाद टाइम इन विच द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर बिकम्स कितना? अब हमें यहाँ पर चाहिए Q/A, इसका वैल्यू कितना करना है? 3 μC/m, 3 μC/m, माइक्रो आएगा ना,
3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके, यहां तक पहुंचाना, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात बच्चों, वो टाइम हमें यहां पर फाइंड आउट करना है जितने में इतना सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाए। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर अगर हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी कर दें, एरिया यहां पर ले जाए, तो डी क्यू अपॉन डी टी एक काम कीजिए, क्योंकि यहां पर चार्जिंग की जो रेट है वो कॉन्स्टेंट है, चार्जिंग की जो रेट है वो कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स क्यू एंड टी विल बी प्रोपोर्शनल। तो हम लोग एक काम यहां पर करते हैं, टी का यहां पर और यहां पर दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जो क्यू अपॉन टी का वैल्यू आपको दिया गया कितना है, 5 माइक्रो कूलम पर सेकंड, सो 5 माइक्रो कूलम पर सेकंड। एरिया दिया गया है कितना है, 10 लिख देंगे यहां पर, 3 माइक्रो कूलम, ओके, माइक्रो से माइक्रो यहां पर, और नीचे क्या आ रहा है, टी, ये तो इसकी क्या है, यूनिट है, ठीक है ना, ये टाइम। तो यहां पर हम लोग अगर सॉल्व करें तो माइक्रो से माइक्रो यहां पर कैंसिल, टी का वैल्यू हमको यहां पर दिख रहा है, टी को यहां ले जाओ, 10 को यहां ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ, सो ये आएगा 10 3 30 डिवाइडेड बाय 5, इट मींस इट विल बी 6 सेकंड, ओके, 6 सेकंड के अंदर ये जो है इतना चार्ज हो जाएगा इसका, ओके, कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना हो जाए, आंसर इज 6, ओके। बट अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न जो है वो है, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी इज 5 सेंटीमीटर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज इतना, ओके। आपको दो प्लेट्स दी गई हैं, एक कैपेसिटर की, और इनके बीच का जो गैप है वो है 5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 300 वोल्ट पर मीटर, दैट इज ई, ओके। अब इसके बाद एन अनचार्ज मेटल बार ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस, अब एक बार हमने यहाँ पर रख दी है, मेटलिक बार है, मेटलिक बार है तो हमको पता है कि इसके अंदर की साइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0, केवल बाहर बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कितना कर रहा है बच्चों, 300 वोल्ट पर मीटर, इतना फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी रह गई है, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, टोटल था 5 में से गया 1, कितना रह गया बच्चों यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, इट मींस इफेक्टिव लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमसे पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ n into 100 वोल्ट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू हमें यहाँ पर पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं V क्या होता है, E into D, E का वैल्यू कितना है 300 और इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ओके 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेंटीमीटर यूनिट का यूज किया गया था तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे 4 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1200 वोल्ट, सो V का वैल्यू आ रहा है 1200, और ये हमसे कह रहा है n into 100, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि n का वैल्यू यहां पर कितना आ गया 12, दिस विल बी द आंसर, ओके बच्चों, राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एंड आउट द आस्क टू अस, करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपके यहां पर दिया गया है वो है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड एंड ईच वन ऑफ which get punctured if a potential difference just exceeding 500 volt, मतलब अगर 500 volt से ज्यादा वोल्टेज किसी कैपेसिटर पर दे दी जाए तो वो पंचर हो जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है, और provided then an arrangement suitable for giving a capacitance of 2 microfarad across which 3000 volt may be applied requires at least, यानी अब हमें 2 microfarad capacitance चाहिए और जो 3000 वोल्ट को यूज कर सके, ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सबसे पहले तो वोल्टेज को एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं सीरीज में कैपेसिटेंस को, ओके। अब देखिए हर एक जो है वो 500 वोल्ट तक तो यूज कर सकता है, इट मीन्स यहाँ पर अगर 500 वोल्ट का यूज हुआ तो यहाँ पर भी 500, तो टोटल कितना वोल्टेज हमें यूज करना 3000, सो 3000 डिवाइडेड बाय 500,
ये आएगा बच्चों 6, ओके, इट मीन 6 कैपेसिटर हम लोग सीरीज के अंदर जोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अब ये 6 कैपेसिटर हमने जोड़ तो दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वोल्टेज को एडजस्ट करने की तरीके में हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, यानी अब ये कितना हो चुका है, 1/6 माइक्रो फैराड ये, ठीक है ना। तो वोल्टेज को तो हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन अब इनका जो कैपेसिटेंस है वो हो चुका है 1/6 माइक्रो फैराड, ओके। तो अब हमें वापस से चाहिए कितना, 2 माइक्रो फैराड। तो हम लोग क्या करें, 1/6 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, सही बात है, क्योंकि पैरेलल में हमको पता है कि कैपेसिटेंस ऐड होता जाता है। सो 1/6 इंटू एन लाइंस, दैट विल बी 2 माइक्रो फैराड, सही बात है। तो 1/6 की एन लाइंस का हम लोग यूज करें ताकि हमें 2 माइक्रो फैराड मिल जाए। तो यहां से हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ लाइन 6 into 2, दैट विल बी 12, विल बी माइक्रो फैराड कैंसिल हो जाएगा, एन का वैल्यू 12, इवन यहां पर 12 लाइंस ऐसी आनी चाहिए। तो 6 कैपेसिटर एक लाइन में है, तो 12 लाइंस में कितने होंगे बच्चों, 72, सो 72 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यहां पर, इन द सर्किट शोन व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, जब स्विच एस को क्लोज किया जा रहा है, देन द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज, तो दोनों कैपेसिटर्स का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग का इसके ऊपर चार्ज, स्टार्टिंग का इस पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो वोल्टेज भी कितना होगा इसका, 0। तो एज वी नो वी क्या होता है, C1V1 + C2V2 / C1 + C2, ठीक है ना। तो C1V1 कितना बच्चों, इसका कैपेसिटेंस कितना, 12 माइक्रोफेरड। V1 कितना है इसका, 16। C2 कितना है, 4। V2 कितना है, 0 डिवाइडेड बाय C1 + C2। C1 कितना है, 12। C2 कितना है, 4। तो 12 + 4, तो ये आ रहा है 12 × 16 डिवाइडेड बाय 16 कैंसिल, इट मींस V का वैल्यू आ गया 12 वोल्ट, दैट विल बी द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। और अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, ये देखते हैं। ओके, यहाँ पर डायग्राम दिया गया, ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि रिवर फ्लोज विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 kmph, रिवर जो है इसका स्पीड आपको दिया गया है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है ऑफ ए पर्सन, उस व्यक्ति का जो उस रिवर को क्रॉस कर रहा है डायरेक्टली, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ उसके ठीक सामने पहुंच जाना चाहिए, इट मीन्स उसको अपनी वेलोसिटी जो है वो कुछ इधर की ओर रखनी चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पर सामने वाले पॉइंट पर पहुंच पाएगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ का केस पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि डायरेक्शन, ओके, द डायरेक्शन ऑफ हिज रिलेटिव वेलोसिटी टू द वाटर मैक्स एंड एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो एंड एंगल ऑफ n into 10 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ n। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस पर्सन की जो वेलोसिटी है और रिवर की जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये थीटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाला है एंगल अल्फा और ये है 90 डिग्री, सो फ्रॉम हियर यू कैन से थीटा का वैल्यू आएगा 90 + अल्फा, ठीक है। तो अगर अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाए तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग अगर देखें तो ठीक है, यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर जो आ रहा है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, √3/1/5, इट मींस इट विल बी 5√3, ओके, किलोमीटर पर आवर, ये आ रहा है उस पर्सन का वेलोसिटी, ओके। और स्पीड ऑफ रिवर आपको दिया गया है 5
ठीक है। तो अब देखिए ये बन गया इसका वेलोसिटी वाला डायग्राम। पर्सन को पहुंचना है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है बच्चों, 5 km/h, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको यहां पर दी गई है, क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया गया है। आपको पता है कि पर्सन इधर की साइड जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन रिवर उसको बार बार इधर की साइड धकेल देगी। इट मीन्स पर्सन कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ओके। इट मीन्स आपको यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी दी गई है, ओके। सो यहाँ पर ये वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है, 5√3 km/h, ओके। So from here you can find out this angle. This angle is alpha. So tan alpha का वैल्यू यहाँ पर perpendicular upon base. Perpendicular is 5. Base is 5√3. 5 से 5 यहाँ पर cancel हो जाएगा. 1/√3 आ जाएगा. So alpha का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? 30 degree. Okay. So अगर alpha का वैल्यू आ चुका है, तो alpha plus 90. So theta का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 30 plus 90 यानी 120 degree. So अब हमें यहाँ पर compare करना है n into 10 degree. n into 10 के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना, 12, ओके। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12, ओके। चलिए तो ये हुआ बच्चों जेईई मेंस का सॉल्यूशन, जो कि आपका टेस्ट हुआ था 6 मई को, ठीक है, ओके। आई होप यू गॉट इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू अस, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय सीएलसी, बाय बाय।